गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री श्याम। जॉइन एवरीवन, देखिए मेरा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हार्ड होके सूख गया है, है ना। हेलो आयुषी जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। हम ये कृष्णा बना रहे हैं, है ना। हेलो मीना जी, हेलो विद्या जी, पल्लवी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय श्री श्याम एवरीवन। ओके, अगर अभी नहीं सूखा है ना आयुषी जी, तो उसके ऊपर क्ले नहीं लगाएंगे आप, है ना। उसे अच्छे से सूखने दीजिए, उसे फैन में भी रख सकती हैं आप, है ना। हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं आप उसे, हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। अच्छे से सूखने दीजिए, बिकॉज अगर उस पर मॉइस्चर होगा ना, तो वो फिर बोर्ड से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा, है ना। गुड आफ्टरनून अरुणिमा जी। हाँ कोई बात नहीं, मैंने भी देखिए थोड़े दिन मैंने धूप में रखा, पूरे समय तो मैं भी धूप में नहीं रख पाई, है ना। बिकॉज कभी भी पानी गिर जा रहा है तो उसे एक टेंशन बना रहता है कि बोर्ड खराब ना हो जाए, है ना। और मेरा बोर्ड बिल्कुल भी कहीं से भी बैंड नहीं हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट हो, है ना, वो देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल भी बैंड नहीं हुआ है। वैसे बैंड नहीं होता है, स्टूडेंट्स को भी इश्यू नहीं होता है, बट कभी हो जाता है ना, तो देखिए बैंड होने से तो किसी को भी इश्यू होगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, है ना। बिकॉज अगर बैंड हो गया तो समझ लीजिए हमारा लगभग म्यूरल वेस्ट। अच्छा नहीं लगता ना लगा हुआ बैंड प्लाई। नहीं एमडीएफ बहुत जल्दी बैंड होता है, मत लीजिए एमडीएफ। पल्लवी जी, ओके कोई बात नहीं आयुषी जी, है ना। फॉयल लगा देंगे तो सेफ हो गया आपका, और अच्छी तरह से, है ना, सेफेस्ट साइड, ठीक है। चलिए अब इस पे हम, हमारा ये पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसके ऊपर क्ले की एक लेयर देना, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर एक मार्बल क्ले की लेयर देंगे, आप चाहें तो इस पे चॉक पाउडर क्ले की लेयर भी दे सकते हैं, बट मैं इस पे मार्बल क्ले की लेयर देती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि जब आप मार्बल क्ले में ना कंपैरेटिवली चॉक पाउडर के कंपैरेटिवली, एक तो वो एकदम पतला लगता है, दूसरा, हेलो प्रीतलता जी, है ना, दूसरा ये क्रैक्स कम आते हैं इसपे, है ना, एज कंपेयर टू चॉक पाउडर। और ये एकदम पतली लेयर लगाई जा सकती है, चॉक पाउडर की बहुत ज्यादा पतली लेयर लगाने से ना उसपे और ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। Thank you.
टूटते नहीं। कृष्णा प्रिंटआउट का साइज वही है गौरी जी, 24x24। मैंने वही प्रिंटआउट लिया था। मेजरमेंट 24x24 इंच राउंड का हमने बोर्ड लिया और 24x24 इंच का ही हमने प्रिंट आउट लिया। तो प्रिंट आउट थोड़ा सा हमारा हल्का सा नीचे से हाथ थोड़ा सा कटा है ना। मैंने फर्स्ट सेशन में या सेकंड सेशन में बताया है, थर्ड सेशन में बताया आई थिंक, क्या प्रिंट मैंने करके रखा था, उसके बाद हमने उस पर क्ले लगाया। 24x24 हाइट नहीं है प्रिंट आउट की संगीता जी, इसकी हाइट बोल रही है। तो आपको इसके लिए ना संगीता जी, मुझे अब याद नहीं है, तो आपको इसके लिए हमारा जो फोर्थ सेशन है ना वो देखना पड़ेगा। अब ना मुझे याद नहीं है इतना दिन में। थोड़ी चिपकती है मार्बल क्ले ना, इसलिए मैं नहीं बेलती, इसे रोल आउट नहीं करती। बाकी आप चॉक पाउडर क्ले को ले सकते हैं। थैंक्स अलॉट मीनू जी। क्या है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं ना, इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। और सॉरी संगीता जी। मार्बल क्ले में हमने ऑलरेडी इतना फेविकॉल अप्लाई किया होता है कि हमें और इस पे फेविकॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं इस पे बस पानी लगाकर ही ये स्टिक हो जाता है। जय श्री श्याम मीनू जी, जय श्री श्याम। स्टूडेंट्स मुझसे बुद्धा म्यूरल के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने बुद्धा म्यूरल का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सब देखिएगा। हमारा म्यूरल कंप्लीट हो चुका है। यस, सिर्फ वही है। थैंक यू आयुषी जी, थैंक यू। अभी एक लेयर मैं लगा रही हूं, उसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से नाइफ की हेल्प से उसे स्मूथ करेंगे, है ना। हेलो विजू जी, आज आप लेट कैसे? गुड आफ्टरनून। हेलो अर्चना जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू पल्लवी जी। यस, हमने उसमें लाइटिंग सेट की है। हाय प्रियंका जी, जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। थैंक यू।
हाँ बिल्कुल, आप सिरेमिक क्ले यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी मत बोलिए विजू जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए वीडियोस को। ये देखिए ना, एक बार मैं अपने हैंड वॉश करूं फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट। एक सेकेंड, इससे क्या होगा, हमारा म्यूरल जो है वो इवन होगा। आप इसे पानी में भी डिप कर सकते हैं, चौक मिट्टी और चौक पाउडर एक ही होता है ना, मार्बल पाउडर और सिरेमिक पाउडर अलग अलग होता है। यस, हमने इसे मार्बल पाउडर क्ले से कवर किया है विजय जी। ये देखिए, मैंने उसको स्मूथ किया नाइफ से और अब मैंने पानी लगाकर हाथ से अच्छी तरह से इसे स्मूथ करना है ना। अभी ही आपके अगर फेस पे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे तो ये आगे आपको और दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए शुरू से ही फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, क्रैक्स पे नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रैक का टेंशन आपने नहीं लेना है, क्रैक का टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। डिफरेंस कुछ नहीं होता है सिमी जी। देखिए, मार्बल पाउडर एक मार्बल जो कटिंग होती है ना, जब मार्बल स्टोन उसकी डस्ट होती है ना।
ये हमारा हम चौक क्ले से कवर कर रहे हैं। मधुस्मिता जी, चौक क्ले से हमने कवर किया है, एक मार्बल क्ले, सॉरी, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी ड्राइंग है उस ड्राइंग से हमें बाहर नहीं जाना है, है ना, आपको ड्राइंग के अंदर ही रहकर काम करना है। पानी में डिप कर करके मैं यूज कर रही हूं, ये देखिए मैंने वाटर मग मेरा आप सबके सामने ही रख दिया है। हेलो सोनम भाभी, जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून। उंगलियों के निशान नहीं, अगर आप उसे देखिए, जैसा मैंने बताया ना आपको आयुषी जी, पहले आप अच्छी तरह से सीजर नाइफ की हेल्प से उसे स्मूथ करिए, है ना, उसके बाद आप पानी लगाकर जब करेंगी तो बिल्कुल भी आपको फिंगर का बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा, है ना। यस यस मधुस्मिता जी, आज से हमारी राधा कृष्णा स्कल्पचर की क्लास स्टार्ट हुई है। ये देखिए ये वाली आज इसका पहला सेशन था, है ना, ये हमारी राधा कृष्णा स्कल्पचर, ऐसा ही ये 4D शोपीस बनने वाला है ना, इतना ही क्यूट। आप में से किसी को भी ज्वाइन होना हो तो आज मैंने इसका फर्स्ट सेशन लिया है ना। वो हार्डवेयर में मिल जाती है रजनी जी, राधा जी का। अच्छा अभी तो मैं कुछ और ही सोच रही हूँ आयुषी जी, मेरे दिमाग में कुछ और घूम रहा है अभी। आपके बनाने तक फूकी हुई थी, क्या बोल रही हैं आप, नहीं समझ में आया रजनी जी। शिवा, अच्छा किसका प्राइस बताना है रजनी जी। जय श्री श्याम ऋचा जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा रेजिन का प्राइस
रेजिन का प्राइस है ऋचा जी मेरे पास तो देखिए 1100 या 1200 का आता है, या एजेस पे भी हम क्ले लगाएंगे अभी उस पे, वहां पे देखते हैं आगे 1200 अराउंड आता है उसका पैक रजनी जी। इसे भी प्रेस करके आपने अच्छे से स्मूथ करना है ना, पानी का टेंशन नहीं है। हेलो यशोदा जी, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। हेलो रश्मि जी, ये देखिए जैसे ये वाला जो एज है ना, ये वाला तो मैं आपको बता ही रही हूं, थैंक यू यशोदा जी, थैंक यू। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो शेयर करते जाइए प्लीज। कृष्णा का बोर्ड का किनारा मेरा ओपन ही है, कहीं कहीं पे ब्लैक करना मैं भूल गई हूँ है ना, उस पे मैं सिर्फ प्लेन ब्लैक करने वाली हूँ साइड्स पे, नथिंग एल्स। और अभी नहीं दिखा पाऊंगी ऋचा जी प्लीज। नहीं, ये बुद्धा और हमारा राधा कृष्णा स्कल्पचर जो करंट क्लासेस हैं वो दोनों ऑफर में नहीं है। मेरी जितनी भी ओल्ड क्लासेस हैं उसमें से आप कोई सा भी रख सकते हैं ना ऑफर में। हेलो भूपेंद्र जी, ये बेसिक वर्क होता है ना, ये बेस ही है हमारा। मैं उधर से स्टार्ट करती हूँ। ओके थैंक यू ऋचा जी, हेलो मिथिलेश जी, आप सबको लग रहा होगा कि मैं बार बार क्या मिक्स कर रही हूँ है ना। मार्बल क्ले क्या होती है, थोड़ी रेस्ट के बाद ना इस तरह से हार्ड हो जाती है। ओके तो उसे सॉफ्ट करने के लिए हमें, अच्छा शोर हो रहा है, प्रिशा वेद को बोलो दरवाजा बंद करेगा। थैंक यू रजनी जी, थैंक्स अ लॉट।
अच्छा किया आपने बता दिया, मुझे खुद भी पसंद है कि क्लास में शोर हो, बट फेरी कैसल का ना ऋचा जी एक दो सेशंस एफबी की तरफ से डिलीटेड है, इसलिए मैं वो ऑफर में मैंने नहीं दिया है। या कोई भी मुझे ज्वाइनिंग के लिए कभी भी बोलता है तो मैं नहीं ज्वाइन करवाती, बिकॉज वो उसके एक दो सेशंस ना डिलीटेड हैं। अब बच्चे तो मेरे फिर बहुत नॉटी हैं। कृष्णा बोलता हूँ, बीच बीच में मैं हमेशा आपको लाइव में हमेशा बताती ही हूँ कि जब भी आप म्यूरल बनाए ना, बीच बीच में अपने हाथों को आपको क्लीन करते रहने हैं। अगेन क्या चीज रिपीट? अच्छा ओके, फेरी कैसल दिखते हैं, है ना ऋचा जी? उसके एक दो सेशंस डिलीटेड हैं फेसबुक की तरफ से। सेम प्रोजेक्ट दोबारा बनाने में ना उतना मजा नहीं आता, एक्साइटमेंट पूरी खत्म हो जाती है। कुछ नया है ना, तूफानी हाँ उसका रिकॉर्डेड है, उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको नियति जी, और वो ऑफर में भी है। इसे भी अभी पूरा करने के बाद मैं नाइफ की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड करके स्मूथ करूंगी। ओके एलिफेंट म्यूरल ठीक है, हम वो कोशिश करते हैं। किसी ने मुझे हॉर्स म्यूरल के लिए भी कहा है, सेवन हॉर्स। थैंक यू सिमी जी, म्यूरल वर्क चाहे आप किसी भी टाइप का करें। देखिए क्या होता है ना, वो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी ही होगी। हेलो मीनल जी, गुड आफ्टरनून, जय श्री श्याम। इसके बाद हमें मेन इसकी फिनिशिंग करके इसे छोड़ना है, ताकि ये रेस्ट होकर ना अच्छे से सेट हो जाए। मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करिए। Thank you.
अभी तो हल्ला नहीं हो रहा है ना, शोर अभी आ रहा है। थैंक यू नियति जी, थैंक्स अ लॉट। आप जब फ्रेश अगर क्ले बनाएंगे ना, मार्बल क्ले, तो आपको बहुत स्पीड होगी आपके वर्क पे। देखिए मेरा क्ले क्या है ना, अभी लास्ट हम जब बनाए थे हमने कृष्णा म्यूरल, और हमारा बुद्धा म्यूरल में थोड़ा लगा था, तब का है क्ले। ओके, पता नहीं रजनी जी, मैं चेक करूंगी नियति जी। थैंक यू रजनी जी, थैंक्स अ लॉट। आप चाहेंगे तो चॉक पाउडर क्ले से भी दे सकते हैं, है ना। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक्स अ लॉट। ये वाला म्यूरल भी हमारा सुपर्ब बनने वाला है ना। साथ बस आप सब शेयर करते रहिए और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। मार्बल क्ले बहुत जल्दी सूखता है, ये ओवरनाइट में ही ड्राई हो जाएगा हमारा, है ना। हाँ, ये नीचे का भी मैं मार्बल क्ले ही लगा रही हूँ, ये पूरा मैंने मार्बल क्ले लगाया है। चलिए अब इसे भी मैं एक बार मैं अपना हैंड वॉश करूं और उसके बाद मैं इसे भी अच्छी तरह से स्मूथ करके दिखाऊंगी आप सबको। ये कहीं भी जब अप्स एंड डाउन्स होगा ना, उसके लिए ये उसको लेवल करता है। चिन अभी नहीं किया है हमने, उस दिन ना समझ में नहीं आएगा बोल के हमने चिन ऊपर नहीं किया है, इसे मैं क्लास में और बताऊंगी, आज नहीं। कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एक ही रूल नहीं होता है कि इसके बाद यही करना है। उस दिन क्या है ना, क्ले में, पेपर क्ले में कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। हाँ, मैंने कराया था टू पार्ट्स वाला, है ना। ये देखिए, बस अब पानी का हाथ लगाइए और इसे स्मूथ कर दीजिए।
यहाँ का जो हमारा बेस है ना, इसे आपने अच्छे से स्मूथ करना है ना। ये देखिए, ठीक है। ऐसा ये कवर हो गया हमारा पूरा क्ले से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का ये क्ले वर्क। ऐसा आपने पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको क्ले से कवर कर देना है इसे, है ना। मार्बल क्ले से एक लेयर आपने पूरी कवर करना है। ठीक है, तो अब इसका आगे का पार्ट, फेस फेशियल एक्सप्रेशन जो हमने स्टार्ट करना है, वो हम स्टार्ट करेंगे कल, है ना। और अगर कल टाइम हुआ तो मुझे थोड़ा सा मोल्ड मेकिंग भी बनवाना है, करवाना है आप सबको, क्योंकि जो पीछे का जो डिजाइन है ना, वो मैं कुछ मोल्ड से करवाने वाली हूँ आप सबको। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री श्याम।